कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बौद्ध पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन को बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व 23 मई 2024 गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवान बुद्ध को जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। भगवान बुद्ध ने इस दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलाना सिखाया। साल 2024 में गौतम बुद्ध की 2596 जयंती मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 22 मई 2024 को शाम 6:47 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 23 मई 2024 को शाम 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे और जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। सरनाथ में गौतम बुद्ध भगवान ने शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कई लोग गौतम बुद्ध भगवान को विष्णु जी का 9वां अवतार मानते हैं और कई लोग भगवान कृष्ण का 8वां अवतार। बौद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। सूर्य देव को अर्घ देकर दिन की शुरुआत करें, साथ ही इस दिन नदी में तिल भी प्रवाहित करें और इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भोजन करना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और पुराणों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र दर्शन किए बिना व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए इस दिन चंद्र देव के दर्शन जरूर करना चाहिए। बौद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्र देव की उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:18 से 5:01 तक रहेगा और प्रातः संध्या का जो समय रहेगा वो 4:39 से 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:37 से 3:30 तक रहेगा। गौधली वेला मुहूर्त 7:03 से 7:24 तक रहेगा। संध्या और सायं संध्या 7:04 से 8:08 तक रहेगी और अमृत काल का जो समय रहेगा वो 11:22 से 1:02 तक रहेगा। 24 मई 2024 को निशिता काल मुहूर्त 12:02 से 24 मई को 12:45 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 24 मई 2024 को 9:15 से 5:43 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। बुद्ध पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और बहते पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें और साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए और पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, फलहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके नगद राशि, धन राशि भेज करके बौद्ध पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।